लड़ाई होगी। सो हेलो एवरीवन, वन बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो भाई आज के इस ब्लॉग के अंदर हम चल रहे हैं दिल्ली जूलॉजिकल पार्क यानी दिल्ली का चिड़ियाघर। कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन वहाँ के बारे में ले लेते हैं कि यहाँ की टाइमिंग क्या है, टिकट्स क्या है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कैसे आए, ठीक है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट। भाई नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है आपका सुप्रीम कोर्ट, पहले इसका नाम प्रगति मैदान था। यहीं पर ही दिल्ली का साइंस म्यूजियम, पुराना किला, क्राफ्ट म्यूजियम, चिड़ियाघर, काफ़ी कुछ है यहाँ पर घूमने का। सारे ब्लॉग आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप चाहो तो सर्च कर लो यूट्यूब पर जाके तरुण कृष्णा पुराना किला, ठीक है, तरुण कृष्णा साइंस म्यूजियम या चिड़ियाघर, पुराना किला, साइंस म्यूजियम, कहीं भी आपको जाना है तो ऑटो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, 30 रुपये आपके लगेंगे, और अगर पर्सनल लेकर जाना है तो आपके 80 रुपये लेंगे। तो भाई ऑटो से यहाँ तक हम 20-20 रुपये में आए हैं, तो बार्गेनिंग भी आप कर सकते हो। हम दोनों 20-20 रुपये 40 रुपये टोटल में आए। ये हमारे साथ आंसू भाई आए हुए हैं आज, सपोर्ट करना भाई के चैनल को भी। वहाँ सामने है पुराना किला और यहाँ पर है चिड़ियाघर। यहाँ पर सारे में कैफेटेरिया बने हुए हैं, तो यहाँ से स्नैक्स वगैरह भी आप ले सकते हो। वहाँ पर सामने है जूलॉजिकल पार्क की एंट्री। देखो भाई क्राउड कितना ज़्यादा हो रहा है, ये देखो कितनी भीड़ हो रही है, ठीक है। और यहीं पर ही पार्किंग है, जिसमें पार्किंग कार की पार्किंग है 50 रुपये और बाइक की पार्किंग है 30 रुपये। टिकट भाई सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन टिकट नहीं है। अब कैसे आपको टिकट बुक करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सामने आप ये बारकोड देख रहे हो, इसको स्कैन कर लेना। स्कैन कर लोगे तो दिल्ली जूलॉजिकल पार्क की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी, फिर आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साइट का। टिकट आपकी सिर्फ ऑनलाइन बुक होगी, यानी कि आपको वहां जाकर कोई टिकट देने वाला नहीं मिलेगा, आपको खुद टिकट ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, गूगल पर आना है और आपको लिख देना है दिल्ली जू टिकट, तो सबसे ऊपर ही आपको एक साइट मिल जाएगी। इस साइट का ही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चाहो तो लिंक से भी आप यहाँ तक साइट तक आ सकते हो, वरना आप सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही आप साइट को ओपन करोगे, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जो ऊपर ये कोड दिया हुआ है MYE3KW, ऐसा ही आपका भी कुछ कोड होगा, वो आपको डाल देना है। जैसे ही आप कोड डाल दोगे तो आपके पास पासवर्ड आ जाएगा। फिर आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर वेरीफिकेशन अपनी कर लेनी है। जैसे ही आप वेरिफिकेशन कर लोगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जर्नल आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने यहाँ पर नीचे पूरा पेज एक ओपन होगा, जहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 12/3/2022, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ 11 तारीख है आज, और कल जो है 12 तारीख है, यानी कि एक दिन पहले भी आप टिकट बुक कर सकते हो। और जो आपकी यहाँ पर बुकिंग है वो दो टाइम में बांटा गया है, एक 8:30 बजे से 12:30 बजे तक, और एक है 12:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। और एक बात और मैं बता दूँ, फ्राइडे को दिल्ली जूलॉजिकल पार्क बंद होता है, बाकी रोज़ खुलता है। उसी के अलावा यहाँ पे देखो, जैसे ही आप टिकट यहाँ पे अपना टाइम चूज़ कर लोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने लोगों की आपकी बुकिंग है। 80 रुपये आपके एडल्ट के हैं, 40 रुपये बच्चों के, बच्चों की जो एज है यहाँ पर 5 से 12 साल है। तो जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करो कितने आप लोग हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हम जो एडल्ट है 2 है, तो वहाँ पे अपने आप 160 रुपये ऐड हो गया अमाउंट में। और बच्चों में हमने लिख दिया कि भाई एक बच्चा है, तो 40 रुपये अपने आप ऐड हो गया। सीनियर सिटीज़न में भी हमने लिख दिया कि एक सीनियर सिटीज़न है, तो 40 रुपये ऐड हो गया। बाकी कोई विदेश से आता है यानी फॉरेन कंट्री से आता है, तो उसके अलग अलग यहाँ पे नीचे प्राइस लिखे हुए हैं किसकी क्या टिकट प्राइस है। तो जैसे ही आप सबकी क्वान्टिटी ऐड कर दो कि भाई कौन कौन लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तो अमाउंट खुद ही यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही अमाउंट ऐड हो जाएगा, तो आपको स्क्रॉल करने के बाद आना है नीचे। तो नीचे आप जैसे ही आओगे, कंटिन्यू आपको कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास दूसरा एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर जो भी लोग आप आ रहे हो, 1, 2, 3, 4 कितने भी आप पर्सन हो, तो सबका ही आपको नाम, सबका जेंडर कि भाई मेल है फीमेल है, और सबकी एज आपको डालनी है। तो मैंने यहाँ पर जैसे अपना नाम डाल दिया तरुण, और अपनी एज डाल दी 22,
ठीक है, वैसे ही आपको सबका नाम, सबकी एज यहाँ पर डालनी है जितने भी लोग आप आ रहे हो। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू कर देना है। फिर आपके पास टोटल अमाउंट यहाँ लिख कर आ जाएगा, जैसे जितने मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट करी थी उसके हिसाब से 240 रुपये यहाँ पर बनते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है मेक चेंजेस, अगर मुझे कुछ चेंज करना है कि लोग ज़्यादा ऐड करने हैं या फिर मतलब बच्चे ज़्यादा ऐड करने हैं, कुछ भी चेंज करना हो तो कर सकते हैं। या फिर मेक पेमेंट, तो मेक पेमेंट पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास पेमेंट के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो क्या क्या पेमेंट हम कर सकते हैं यहाँ पर, किस किस से कार्ड से हम पेमेंट कर सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह सारे यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं जिस जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी पेमेंट कर दोगे तो आपकी टिकट का लिंक आपको मैसेज हो जाएगा, ठीक है, आप जो नंबर डालोगे उसी पर फिर आप टिकट अपने डाउनलोड कर सकते। भाई साहब भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, ऐसी भीड़ जूलॉजिकल पार्क में आज तक मैंने नहीं देखी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। आज ट्यूजडे है और उसी के अलावा खाने पीने की चीज़ अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप बैग सबमिट करके आओगे तो बेटर रहेगा, वरना आपको फिर वापस जाना पड़ेगा, आपको बोलेंगे कि बैग मत ले जाओ, सामान मतलब प्रॉब्लम होगी अंदर एंटर होने में आपको, तो सबमिट ही कर देना, ठीक है। और टिकट जो है अपनी आने से पहले ही बुक कर लेना, यहाँ पर अगर आके आप बुक करते हो ना घंटों तक खड़े रहोगे, इनका जो सर्वर है बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। एंटर होते ही सबसे पहला लुक हमें ये देखने के लिए मिलता है यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क में, यहीं पर ही सामने है फाउंटेन्स। तो दिल्ली जूलॉजिकल पार्क जो है दिल्ली का चिड़ियाघर 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, हालत ख़राब हो जाएगी तो पानी वगैरह साथ में ज़रूर लेकर आना। बाकी उसके अलावा अगर आप वॉक करके नहीं चल सकते तो भाई आपके लिए यहाँ पर ई कार्ड का इंतजाम भी है। इसके जो चार्जेस हैं वो 70 रुपये हैं एडल्ट के, बच्चों के 30 हैं, बाकी 5 साल से जो नीचे की उम्र के हैं वो फ्री हैं। फॉरेन कंट्री से आप आ रहे हो तो 400 रुपये आपके चार्ज हैं। ये जो मैंने आपको व्हीकल दिखाया था इसमें क्या है, आपको मतलब एक बैंड दे दिया जाएगा हाथ में पहनने के लिए। उस बैंड से क्या होगा, मतलब मान लो आप एक गाड़ी के अंदर बैठे, फिर आपको मान लो शेर देखना है तो शेर देखने के लिए आप उतर गए, अब वहाँ फोटो खींचनी है, वीडियो बनानी है, तो करते रहो जो मर्जी, वो गाड़ी चली जाएगी, फिर दूसरी जो गाड़ी आएगी उसमें आप बैठ कर उसमें भी जा सकते हो। बस शर्त ये है कि भाई जो बैंड आपको मिलेगा उसको हटा मत देना हाथ से, उसको देख कर ही वो आपको उस गाड़ी के अंदर बैठाएंगे उस ई कार्ट में। वही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिल्ली के चिड़ियाघर के बारे में बता दिया है, अगर अभी आपका कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर कर लो फॉलो, तो जाके पूछ सकते हो, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई सामने है नील गाय, जूम करके दिखाता हूँ एक बार। तो भाई सामने से देखो कैसी आवाजें आ रही है, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो बे? कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स आपको दिखा पाए। तो भाई सामने है हेमेड्रस बबून, ये देखो इजिप्ट से लेकर आए हैं इसको यहाँ पर, सामने है वहाँ पे दिखाता हूँ। जा जाओ महाराज उस साइड जा, अबे वहाँ मत जा यार, अंदर आपको पानी भी मिल जाएगा और वॉशरूम भी मिल जाएगा थोड़े थोड़े कदमों पर ही। सामने है सांभर, जो सामने है कृष्ण मृग, और जंगली बिल्ली कैसी लग रही है यहाँ पर। ये सामने है गीदड़, बहुत गंदी स्मेल आ रही है इसमें से। यह है लोमड़ी का बच्चा, ये सामने है इंडियन राइनोसोरस, और चलते हैं बर्ड्स वाले सेक्शन में, बर्ड्स दिखाते हैं आपको। ये सामने है ब्लू एंड येलो मकाओ, काला मुर्गा, तो भाई सामने है मर्स क्रोकोडाइल, देख रहे हो भाई कैसा लग रहा है, जैसे कोई डमी है इसकी, बड़े रियल है ये बिल्कुल, मतलब ऐसे इसलिए रहते हैं ताकि सडनली मतलब कोई इनका कोई शिकार आए और उसको पकड़ ले। देखो इधर ये मूव कर रहा है। अब सामने है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल,
सामने है एशियाई लायन। तो भाई जो सारे ये एनिमल्स हैं सारे हाइड हैं, इधर उधर सो रहे हैं छुपक के क्योंकि गर्मी हो रही है इतनी, सारे इधर उधर खा पी के आराम से पड़े हुए हैं पसर रहे हैं। तो भाई सामने अब है हाथी, हाथी दिखाते हैं आपको। सामने है वाइट बक, सामने है हिप्पोपोटामस। ये देखो, ये रहा हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा। भाई क्या मूर्ति सा बना हुआ है। तो इस सामने ये वाले बर्ड्स देखो, तो भाई ये सामने है रीच स्लॉथ बियर। जमीन में घुसा हुआ है, ट्रेजर हंटिंग कर रहा है। सामने है हिमालयन काला भालू। ला 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 ला। रोमांस चल रहा है। वो कह रहे कल रात पार्टी में सारे पैसे मैंने दिए, तूने नहीं दिए। अरे वो उत्साह होके चला गया, ले वो पक्का लेडीज है, कह रहे रात का खाना तू ही बनाइयो आज। अब ये मनाने जाएगा थोड़ी देर बाद। वो हमें देख के कह रहा सालों तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। अब सामने देखो यहाँ पे तेंदुआ है लियोपार्ड। भाई साहब इनमें लग रहा है लड़ाई होगी, ये घुर्रा रहा है बड़ी तेज। ये देखो ये जा रहे हैं यहाँ से। क्या है बे, टांग का फांसी आ गया। मारेगा क्या? वहाँ उस साइड दिखाता हूँ, वहाँ से ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये देखो सामने बैठे ना तेंदुए, ये देखो एक ये रहा, एक वहाँ पीछे बैठा हुआ ये रहा। ये देखो ये कितना पास है, ये गुस्से में है काफी। तो इस सामने वहाँ कॉर्नर में है वाइट टाइगर, पर है ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। ये देखो ये आ गया। देखो इस ऑस्ट्रिच के बारे में, एक बार में 20 से 30 अंडे देता है और अफ्रीका से इसको लाया गया है। तो भी जो रेप्टाइल एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर सांप कछुए वगैरह आते हैं, वो जो पोर्शन है वो बंद है फिलहाल, क्योंकि आपको भी शायद पता होगा ये जो सांप वगैरह होते हैं ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं सर्दी के टाइम में, और अभी जो हैं ये वाले एनिमल्स नहीं हैं क्योंकि ये गर्मी में बाहर निकल के आते हैं अपने बिल वगैरह से। तो इनका जो पोर्शन है वो अप्रैल के बाद स्टार्ट किया जाएगा अभी। सो गाइस वैसे तो यही था आज के इस ब्लॉग के अंदर, सारे जानवर इधर उधर छुपे हुए हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, तो सही से वो कैप्चर हो नहीं पाए। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, और एक छोटा सा काम और करो, शेयर कर दो यार अपने दोस्तों में, फैमिली में, सब में शेयर कर दो, दबा के शेयर करो वीडियो को, ठीक है? क्योंकि भाई जितनी मेहनत लगती है ना आप उतना सपोर्ट नहीं करते हो। हालत ख़राब है, 5-6 किलोमीटर में घूम रहे हैं, साथ ही में शूट कर रहे हैं, ठीक है? तो हालत सही से ख़राब हो चुकी है। खाना पीना खाना है, क्योंकि अंदर कुछ भी खाना पीना अलाउड नहीं था और ना ही कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि लोग जानवरों को भी खिला सकते हैं, ये डर होता है, इसलिए खाना पीना अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए आपसे भी अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।